नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को लगा एक और बड़ा झटका। कोर्ट ने 12 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले से जुड़े मामले में राव जोहर ने कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले से जुड़े मामले में राव जोहर ने कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए हुई। वही मेडिकल बोर्ड की परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर राव जोहर अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने आप सुप्रीमो को पहली बार 16 अप्रैल 2023 को गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया था। उस समय उन्हें 14 महीने तक आरोपी नहीं बनाया गया था। केजरीवाल के मामले में सीबीआई कहते हैं कि 16 मार्च 2021 को एक शराब कारोबारी से संपर्क किया गया कि केजरीवाल शराब नीति को लेकर मिलना चाहते हैं। 25 मई 2021 को पॉलिसी आई और 16 मार्च 2021 को शराब कारोबारी से मुलाकात की कोशिश की गई। मंगूटा रेड्डी का बयान मौजूद है। कथित कविता और कविता रेड्डी 20 मार्च 2021 को फिर से मिले। 19 मार्च को मिलने के लिए कविता ने रेड्डी को कॉल किया था। विजय नायर को कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा सौंपा गया। 19 को वो हैदराबाद में था। लॉकडाउन की वजह से एक प्राइवेट फ्लाइट से अभिषेक और बूची बाबू दिल्ली पहुंचे थे। सीबीआई के मुताबिक अभिषेक बोयनपल्ली ने विजय नायर के माध्यम से मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने रिपोर्ट टाइप की और इसे उनके कैंप कार्यालय में दिया गया। एडवांस के तौर पर उसी समय साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपए दिए गए ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 6 से 12 कर दिया गया। जीओएम की रिपोर्ट के साउथ ग्रुप द्वारा तैयार की गई थी। वो रिपोर्ट एलजी कार्यालय को भेजी गई थी। सीबीआई दावा करती है कि हमारे पास ये दिखाने के लिए सबूत है कि साउथ ग्रुप ने कहा था कि नीति कैसी होनी चाहिए। आपको बताते चले, दिल्ली की अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया था कि गोवा ट्रेल के बारे में सबूत है कि किसने किसको पैसे दिए। इलेक्शन के लिए पैसे दिए गए और पैसे खर्च किए गए थे। जब रिपोर्ट एलजी ऑफिस गई तो उस पर विचार किया गया और 7 सवाल उठाए गए, लेकिन उन पर कभी चर्चा नहीं हुई। कोविड का समय चल रहा था जिस जल्दबाजी में ये काम किया गया। सर्कुलेशन के जरिए हस्ताक्षर लिए गए। कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता था। लगातार खबरों पर बने